हालात तो बिल्कुल ठीक है, अपना आप ठीक होना चाहिए। हाँ, सबसे पहले यही बात है, कुछ हम खुद आप खुद ठीक नहीं है। कभी हम नवाजी को वोट देते हैं, कभी शरीफ को देते हैं, कभी किसी को, लेकिन जिसने काम किया है ख्वाब वो दुश्मन भी हो उसकी तारीफ करो। हाँ। मैं शहबाज शरीफ की तारीफ करता हूँ कि उसने लाहौर में गुजरावाला में पैसा अच्छा काम किया, और दूसरा परवेज लाई की भी तारीफ करता हूँ, उसने 1122 और पेट्रोलिंग पुलिस। मैं गुजरावाले का रहने वाला हूँ, कभी ये होता था कि एक्सीडेंट हो जाता था कि कोई उठाता नहीं था। मैं परवेज लाई को सलाम करता हूँ, बेशक वो अंदर है, आगे बाहर आ गए, सलाम करता हूँ। हाँ। अगर आज मैं अपील करता हूँ कि परवेज लाई और शहबाज शरीफ एक हो जाए। हाँ। इतना पंजाब में काम हो, बहुत अच्छा काम होगा। तो अभी इस हुकूमत से मुतमिन है जिसमें शहबाज शरीफ वजीर आजम है, और कोई पेट्रोल ये वो कह रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, आप तक भी कोई पहुँचा रिलीफ? मेरा शहबाज शरीफ जो है ना, वो है भी बेचारा शहबाज शरीफ। हाँ। वो उसको तो रात को नींद नहीं आती, वो कहता है महंगाई खत्म हो जाए। हाँ। लेकिन अवाम उसको चलने नहीं देती। इमरान कहता मैं वजीर आजम बन जाऊँ, वो कहता मैं ईमानदार। ईमान जो है ना इमरान का। हाँ। वो ईमानदार आदमी जरूर है, मैं उसकी कसम भी देता हूँ, लेकिन मैं उसके समझाया रहा हूँ, लेकिन ईमानदार आदमी है। हाँ। लेकिन वो उसमें खामी है। क्या वो उसमें खामी हो? किसी की बात नहीं मानता, किसी की नहीं सुनता, सुनता नहीं वो। मैं अपनी मनाता है अपनी। हाँ। अगर वो दोस्तों से मशवरा करके प्यार से बात करे, इमरान का हुकूमत रहे। परवेज अली ने कहा था कि कोई ये समझिया ना तोड़ो, ना तोड़ो, गलत किया उसने, गलत किया। हाँ। ये समझिया ना तोड़ना, आज परवेज अली की हुकूमत होनी थी। और जो वो शादरे पुल बना ना। हाँ। वो तो मरीज के तक हमारे इलाके में बनना था, बहुत अच्छी सड़क बन रही थी, वो परवेज अली मंजूर करके। हमसाए कहाँ पे थे इमरान खान के? वो बात तो बताई नहीं। क्यों है क्या? हमसाए कहाँ पे थे आप इमरान खान? हम जमान खान के इलाके में, कभी मैं किराए पर रहता था जमान पार्क में। हाँ। तो कैसा हमसाया था इमरान खान? वो इमरान खान के उसके सारे खिलाड़ी थे, वो कहते थे इमरान खान खुद ईमानदार है। हाँ। लेकिन कई बार मेंटल हो जाता, किसी की बात नहीं मानता, मेंटल हो जाता है कि बात ही नहीं सुनता, बात नहीं सुनता। परवेज अली की तरले कर रहा था, गवर्नर सरवर तरले करता था कि असेंबली ना तोड़ो, स्कूल से बैठते हैं। वो अगर असेंबली ना तोड़ते मैं आज भी इमरान खान लेकर इमरान खान के बखराब, वो किसी की बात नहीं मानता। मैं ये क्या अपील करता हूँ, अमरनाथ चट्ठा, अमरनाथ चट्ठा ठीक है, गुजरावाले का, वो ईमानदार आदमी है, वो मेरे इलाके का। अच्छा, मैं गुजरावाले का हूँ। आपके इलाके के सारे ईमानदार ही हैं, कोई बेईमान है? बेईमान मैं बताता हूँ कौन कौन। अमरनाथ चट्ठा ईमानदार है, जिन्हें जो पार्टी का था परहेज लाई, अमरनाथ चट्ठा, चोर इंसार, ये इकट्ठे हो जाए हुकूमत अच्छी रहेगी। ये आदमी आपने तो बड़ा फार्मूला दे दिया कि ये लोग इकट्ठे हो जाए, कौन इकट्ठा करेगा इन्हें? ये है मैं जो है, मैं अंदर। हाँ। वो खत्म कर दी जाए नवाज शरीफ के अंदर, मैं। हाँ। नवाज शरीफ इकट्ठा नहीं होने देता, वो कहता मैं बस मैं हूँ, मैं वजीर आजम बन जाऊँ। शहबाज शरीफ मैं नहीं कहता, वो कहता यार प्यार से मोहब्बत से चलाओ, हुकूमत चले, वो कहता है हुकूमत चले प्यार से, हम इकट्ठे हो जाए, हुकूमत चले, कितनी प्यार किया। आप ये दुआ करो यार, आज आप इधर खड़े ना हो और वेस्टकोट आपने पहनी तो एक सियासी लीडर की तकरीर लग रही है मुझे। मेरी तकरीर क्यों नहीं, मैं देहाती आदमी हूँ। हाँ। मैं गांव का रहने वाला पेंडू आदमी हूँ, खुली बातें करते हैं, खुली है, मैं पेंडू आदमी हूँ यार। हाँ। और इस वास्ते शहर आई रहा यार, कोई फिरेट हुई अभी नहीं, वो कई शहर ही बना यार, पढ़ा हो बाबा। मैं आख्या यार सानू बैन दे दे, पाकिस्तान कटू हो, सानू सानू पाकिस्तान कटू हो, असी देहाती हाँ शहरी हाँ, यहाँ अफगानिस्तान पठान भी रह सकते हैं, पिशावरी रह सकते हैं, मारे सबके लिए, वो सबके लिए। हम एक है मुसलमान है, और मैं ये कहता हूँ इज्जत करें, इज्जत करें, शोर ना कहें, शोर ना करें। अब आप इस हुकूमत से कोई उम्मीद भी है शहबाज शरीफ से कि नहीं? शहबाज शरीफ से कहता है लेकिन उसके बस की बात नहीं है, जरदारी साथ मिल गया, जरदारी बहुत बड़ा सियासतदान है, वो इसलिए सियासतदान है, वो कहता है मिलजुल के खाओ, तुम क्यों लड़ते हो? हाँ। वो कहता है मुझे सदर बना लो, ठीक है जो मर्जी करो, ठीक है। बड़ी आप अकल की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ वो दो दफा सदर बन गया, उस पर आफरीन और मसलाम है, लेकिन एक बात है। हाँ, आखिरी बात है आपकी, मैंने ब्रेक लेनी है। जरदारी जो वो मिलके चलने वाला जरूर है, ठीक है। हाँ, तो आखिर में तो आपने सबकी तारीफें कर दी, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, कोई बंदा छोड़ा नहीं है। इसलिए करता हूँ अच्छे को अच्छे कहो, बुरे को बुरा, बुरा को ठीक है। नवाज शरीफ जो होता है कहता मैं वजीर आजम बन जाऊँ, मेरी बेटी वजीर आजम बन जाए, और मेरा तबाह बर्बाद हो जाए। बिल्कुल ठीक है। आप कुछ कहना चाह रहे थे मेरे ख्याल में? उस्मान, क्या हुआ? I'm not a resident of Pakistan, but अच्छा, पाकिस्तान से नहीं? मैं पाकिस्तान का नहीं हूँ, मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहता हूँ, दुबई में।
इस वक्त मैं आपको थोड़ी सी ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी पाकिस्तान की जो वहाँ पे रेप्यूटेशन है ना वीज़ों को लेके और चीज़ों को लेके, वो इतनी ज़्यादा इन लोगों ने ख़राब कर दी है सिर्फ अपने मवाद की खातिर यहाँ पर। लाइक जिससे कहते हैं ना अंदर मांग मांग के जो वहाँ पर जाओ एयरपोर्ट पर दे आर आस्किंग यूर फ्रॉम पाकिस्तान। वल्ला पाकिस्तान इज़ नॉट गुड। क्यों? एयरपोर्ट पर जो उनका अमला है, उनका अमला है, उनके जो लोकल्स हैं, पहले आज से दो साल तीन साल पहले वो हमें इतनी रिस्पेक्ट देते थे, इतनी इज्जत करते थे। आप कितने साल से उधर हैं? सर मुझे 10 साल हो गए। तो आप कह रहे हैं जब मैं 10 साल पहले गया था तो हालात मुख्तलिफ थे, वो इज्जत देते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि इमरान खान को लेके आए या नवाज शरीफ को लेके आए, आप तो पूरा पाकिस्तान की बात कह रहे हैं। यस यस, क्योंकि कोई बंदा भी आज के दिन में, आज आप इमरान खान को उठा लें, आप नवाज शरीफ को उठा लें, आप जरदारी साहब को उठा लें, जिसको मर्जी उठा लें, पाकिस्तान के हक में हमें कोई जिसे कहते हैं ना प्रोटोकॉल देने वाला बंदा एक गरीब आवाम को आज तक नहीं आया। तो वीजों की जो बंदिश हुई जी, क्या उसमें मसला हुआ? अब आम कहते हैं जी पाकिस्तानी इज अ फ्रॉडुलेंट, दे आर इन्वॉल्विंग इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा टॉप ऑफ द लिस्ट आपके इंडियंस हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट में स्कैमर्स हैं वो इंडियंस हैं। बट आज आप कह रहे हैं हमारी बात नहीं कोई कर रहा सर, जब आप एक दूसरे मुल्क में जाके यू आर आस्किंग फॉर दैट वी आर नॉट बैगर्स, बट एक मजबूरी है तो फिर वो हम बैगर्स ही हैं। हम कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत ही अगर पैसे मांग रही है तो उसके नतीजे में उन्होंने ज़हन बना लिया आप लोगों के मुतल्लिक कि ये लोग मांगने वाले हैं। एग्जैक्टली। तो आप जब अरबियों से वैसे मिलते हैं जाके काम के सिलसिले में जी जी, तब क्या सूरत हाल है? क्या वो देखें, मैं वहाँ पे 10 साल से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक और चीज़, मेरे नाम के पासपोर्ट से ना जब वो देखते ना मोहम्मद उस्मान पाकिस्तानी पासपोर्ट, और ये नॉर्मल हो गया अब तो, वो ना अब आपको वहाँ से हटा के ना दूसरी जगह भेज देते। कहाँ पे? लाइक उनकी इमिग्रेशन ही डिफरेंट है जहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए। अब काफ़ी कंट्रीज में जैसे बांग्लादेश को डाला हुआ था पहले, अब हमें भी उस कैटेगरी में डाल दिया कि जिनको वो अच्छी तरह चेक करके तसल्ली करके अंदर करते हैं। और आप यकीन माने कि मैं आता जाता रहता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है, ये नहीं कह रहा कि क्या हालात हैं, ये जो हमारी कौम है ना, ये सिर्फ लकीर के फकीर हैं, दैट्स इट। ये नहीं निकलेंगे कभी बाहर नहीं निकलेंगे, ये गारंटी है। ये अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे, नहीं कभी भी नहीं निकलेंगे। मायूस हो गए हैं लोग सर? मायूस की बात नहीं, मैं कारोबार छोड़ के नहीं जा सकते। जिस वक्त हम कारोबार छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं निकलेंगे, तो क्या होगा? ठीक है, आप कहाँ से? मैं यहीं से। यहीं से? यहाँ से कहाँ से? मतलब थोड़ा बताओ ना अपने बारे में। मैं इधर होता है, काम करते हैं? नहीं, स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं? क्या स्टडी कर रहे हैं? मदरसे में पढ़ता हूँ। मदरसे में पढ़े? तो आप भी हुकूमत वगैरह से कोई खुश हैं, नहीं खुश, क्या देखते हैं? सब ठीक जा रहा है? नहीं, ये मामला जो चल रहे हैं हुकूमती अभी फिलहाल तो ये गलत ही हो रहा है जो हो रहा है। अच्छा, नहीं कोई, आप कहते हैं कि पेट्रोल महंगा, बिजली में कुछ ऐसी चीज़ है या सब ठीक है? नहीं, ये महंगा तो है क्योंकि अक्सरियत जो लोग कह रहे हैं, आवाम जो तंग ही है इस हुकूमत से। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि हम इससे खिलाफ हैं, लेकिन अक्सरियत जो खिलाफ है हुकूमत को कुछ ख्याल करना चाहिए। आप भी इनके साथ हैं? यार सारे एक प्लेट में ही खाने वाले हैं ना, वो चंगे हैं ना वो चंगे हैं, सारे वो चंगे हैं ना वो चंगे, वाह सारे एक प्लेट में। जबरदस्त। आप चाचा जी पीछे हट जाइए यार, किसी से तो बात करने दें। हैं, बताएं हालात ठीक हैं?